नो स्मोकिंग डे के अवसर पर एनसीसी 15वीं यूपी गर्ल्स बटालियन तथा 45वीं पुरुष बटालियन के द्वारा जागरूकता का कार्यक्रम आयोजन सेंटर ड्यूस डिग्री कॉलेज में किया गया, जिसके संबंध में डॉक्टर निधि लाल ने बताया कि नो स्मोकिंग डे के अवसर पर एनसीसी बटालियन के छात्र छात्राओं को नो स्मोकिंग के प्रति जागरूक किया जा रहा है तथा उनको यह बताया जा रहा है कि स्मोकिंग करने से हमारे वातावरण में तथा परिवार के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, जो व्यक्ति स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है उस व्यक्ति पर भी कितना प्रभाव पड़ता है और जो पीता है उस व्यक्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया कि स्मोकिंग करने से व्यक्ति को लंग कैंसर, किडनी फेल जैसी बीमारी होने लगती है। उन्होंने बताया कि स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति तथा साथ में रहने वाले व्यक्ति को अधिक नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा, स्मोकिंग हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस अवसर पर डॉक्टर अमित मासी, एनसीसी पीजे स्टाफ, एनसीसी बटालियन के छात्र व छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर निधि लाल ने कहा, 45 बटालियन और 15 बटालियन के सहयोग से हो रहा है और प्रिंसिपल सर के गाइडेंस में हो रहा है। तो आज का जो नो स्मोकिंग डे है उसको हम सेलिब्रेट करने के लिए हम कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस स्मोकिंग से, इस बड़े धूम्रपान से बची रहे, इसलिए हम जवानों के बीच में उनके विचार को जानना चाहते हैं। इसी सीक्वेंस में हम बुलाना चाहेंगे, पहले आएंगे हमारे बीच में वैष्णवी, उस PI स्टाफ एंड ऑल NCC मेंबर्स। टुडे वी ऑल हैव गैदर्ड हियर टू प्रेजेंट एंड अवेयर पीपल फॉर नो स्मोकिंग एज इट इज अ मेन इशू व्हिच इज राइजिंग डे बाय डे। सो टुडे इज नो स्मोकिंग डे व्हिच इज सेलिब्रेटेड ऑन 13th ऑफ मार्च एवरी ईयर। The main purpose to celebrate this day is to spread awareness among the people of our country for the harmful effects of tobacco and taking cigarettes by a different modes. Smoking and chewing tobacco is one of the worst habits that one is developing. But still, thousands of our youths is taking day. Some smoke out of curiosity. Some smoke because it looks cool, and some smoke because their friends and family smoke. About 30% of adolescents smoke. Though it is dangerous for our health, but knowing all the dangerous things but we people consume, smoking is a bad habit that one can stop. It contains an addictive drug called nicotine. Nicotine affects mind and it get rid of quickly. Now let's discuss about the ill effects of smoking. Smoking causes cough, irritation in throat accompanied by a bad breath. It affects the person's personality. The smokers get wrinkles on their skin. It affects और मैं एक रिसर्च करने वाला इंसान हूँ और रिसर्च ये बताती है कि एक सिगरेट एक इंसान की लाइफ 5 मिनट कम कर देती है। कम इफेक्ट में है, कैंसर है और उसके बाद जो है बहुत सारी ऐसी दिक्कतें। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो एक काफी सालों से एक मुहिम छेड़ी हुई है कि जो सिगरेट पैकेट्स हैं उनके ऊपर उस उन बंदों की तस्वीर फोटो खींच के भेजते हैं, लगाते हैं। जो भी सिगरेट पैकेट आप खरीदेंगे, सिगरेट पैकेट आप देखेंगे दुकानों में, उस पे ऐसे ऐसे लोगों की तस्वीर है जिनको वो बीमारी है। किसी को मुंह का कैंसर, किसी को गले का, किसी को कहीं का, किसी को 13। और उसमें सबसे डेंजरस जो केमिकल होता है वो एक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, जो साइंस वाले हैं वो जानते होंगे, कैंसर इन यू। कोई भी चीज आप इंस्टॉल करते हैं कोई ऐप को तो काम करने के लिए ना, अगर आप मतलब कोई भी बंदा सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो ही और शी कोई भी हो सकता है, इज इंस्टॉलिंग कैंसर इन हिम और हर। तो इसीलिए अभी बहुत कम टाइम है, वरना मैं और भी काफ़ी बोल सकता था, आप कुछ तथ्यों को रख सकता था आपके सामने, और शॉर्ट में मैंने अपनी बात को कही है। और अब मैं उसी कड़ी में जो है निहाल जायसवाल को बुलाना चाहूँगा। निहाल जायसवाल आए और अपने harmful effects of smoking. People die from smoking tobacco is United States of America. Smoking tobacco is United States every year. युवा लोगों में है और जब वो बड़े होते हैं तब तक उनकी ये आदत बन जाती है।
जैसे कि आप किसी भी थिएटर में चले जाएं, मॉल्स में चले जाएं, या फिर किसी ऑफिस में चले जाएं, वहाँ आपको जरूर मिलेगा कि धूम्रपान करना मना है। धूम्रपान करने पर आपसे फाइन चार्ज किया जाएगा, पर फिर भी आपको वहाँ पे मिलेंगे लोग जो खुलेआम सिगरेट पीते हैं। खुलेआम सिगरेट पीने से आप सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि समाज का भी नुकसान करते हैं। सिर्फ सामाजिक नुकसान ही नहीं, धूम्रपान से हमें हमारे पारिवारिक नुकसान, जैसे कि जो भी इंसान धूम्रपान करता है उसके जीवन साथी को फेफड़े की कैंसर होने की का खतरा 30% तक बढ़ता है, जबकि उस इंसान को खुद 40% तक खतरा होता है फेफड़े का कैंसर होने का। यही नहीं, जिनके माँ बाप पीते हैं, स्मोक करते हैं, उनके बच्चों को खुद निमोनिया होने के चांसेस 30% तक बढ़ जाते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप सिगरेट पी के सिर्फ अपना ही नहीं अपने परिवार का नुकसान कर रहे हैं, अपने समाज का नुकसान कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आप एक दिन में अगर एक सिगरेट पीते हैं तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आप अपना फिनेंशियल लॉस भी काफी हद तक करते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि एक सिगरेट पीने से क्या होता है, एक सिगरेट पीने से आपकी बॉडी में इतना निकोटीन आता है कि आप मर भी सकते हैं। मेरा नाम लेफ्टिनेंट डॉक्टर निधि लाल है और ये हम लोगों का सेंट एंड्रूज कॉलेज का एनसीसी ग्रुप है, जिसमें हमारी 15 यूपी गर्ल्स बटालियन के इंचार्ज हम हैं और 45 बटालियन के इंचार्ज हैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर अमित मसी, और हम ये सारा प्रोग्राम हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर जी के लाल के गाइडेंस में है। आज जैसा कि नो स्मोकिंग डे है, उसी को हमारे एनसीसी बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये अवेयर कराना चाहते हैं कि स्मोकिंग कितनी हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे घर वालों के लिए, हमारे आसपास में जो भी उनके संपर्क में आता है उनको कितना ये परेशान करती है, और जो पीता है उसको भी कितना ही परेशान, उससे ज़्यादा परेशान होता है उसके, कभी लंग्स कैंसर होता है, कभी किडनी, बहुत सारे ऑर्गन को इफेक्ट करती है। तो जिस तरीके से हम जानते हैं कि एक्टिव वो खुद है और पैसे उसके साथ में रहने वाले लोग हैं जिनको ये नुकसान पहुँचाती है, तो ये हमारे समाज को बहुत ही बड़ा एक परेशानी का कारण है, जो हमारी परिवार को तोड़ती है, उसकी इनकम को तोड़ती है, उसके हेल्थ को तोड़ती है, जिससे ये हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, जिसको आज हमारे एनसीसी के बच्चे अवेयर होकर के उस चीज़ के प्रति जागरूक हो रहे हैं और ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू।